टाइम तो अच्छा खासा रश लगा होगा। वही बात हुई ना, फुल रश रुश 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 लगे हुए हैं। गाड़ियां हमारी रेडी हो पे लाइन अप हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे, अभी मैंने निकाली है बाइक, नाश्ते का सीन जो है ना वो थोड़ा ऑन करते हैं। लेट ही जा रहा हूँ मैं नाश्ते वाली शॉप पे, इस टाइम तो अच्छा खासा रश लगा होगा, लगता है लाइन में लग के नाश्ता लेना पड़ेगा। गली में से शॉर्टकट लेता हूँ। वही बात हुई ना, फुल रश रुश 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 लगे हुए हैं, नहीं बचती है। मुझे फाइनली टाइम से मिल गया, रश में से बच ही गया हूँ मैं। कुड़ियाँ तो मिल गई, अब नान शॉप की तरफ चलते हैं। और मौसम आज ऐसा है कि धूप भी है और साथ ठंडी हवा भी चल रही है। जैकेट उतारो तो सर्दी लगती है, जैकेट पहनो तो गर्मी लगती है। अजीब सा सीन हुआ पड़े। संडे और बॉयज़ की क्रिकेट सुबह सुबह ही जो है ना स्टार्ट हो जाती है। आज संडे, तो कुछ अपने काम जो करने हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं। मशीन को लगाते हैं और कपड़े वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता में इन कामों का जो है ना वो टाइम नहीं मिलने वाला। मशीन मैंने चलाती है, कपड़े वपड़े सारे इसमें डाल दिए हैं, अभी ये खुद बखुद ही सारा काम जो है ना वो हो जाएगा। फाइनली कपड़े हो गए सारे रेडी, लेकिन तेज़ हवा चल रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। सो फाइनली काम सारे हो गए मेरे, तो अब जल्दी से खुद भी रेडी हो जाते हैं। सो मैं रेडी हो गया हूँ, फिलहाल मुझे अभी कोई काम नहीं है। जैसे कोई काम मिलता है, कोई ऑर्डर मिलता है, बाहर जाते हैं तो मैं आपसे मिलता हूँ। मैं था उस टाइम का फ्री, तो अभी एक काम के लिए निकलते हैं। पानी ही पानी, बोतलें ही बोतलें खाली हो चुकी हैं, तो फिल्टर प्लांट पे चलते हैं पानी लेने के लिए। तो अभी गाड़ी मैंने निकाल ली है, तो हम निकलते हैं फिल्टर प्लांट के लिए। टाइम तो अभी नहीं हुआ, मैं पहले निकल आया हूँ। तो अभी ये नेस्ले की बोतल मैंने पकड़ ली है, ये दूसरी बोतलें भर लेते हैं फिल्टर से। ये पानी का रेंज तो हो गया, तो अभी घर को वापस चलते हैं। पानी जो है वो काफ़ी दिनों से मैं नहीं लेके आया था, 3-4 दिन से पानी जो है ना वो नहीं आया था घर में। तो आज सारी बोतलें इकट्ठी करके पानी ले आया हूँ, अब 2-3 दिन आराम से गुजर जाएंगे। वो वैसे भी जो है ना अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो पानी की ज़्यादा वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगले दिनों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि दूसरे दिन ही लाना पड़ेगा। सो आज हमारी अगले दिन की सुबह का आगाज़ हो गया है। कल व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो सका, बड़ा बोरिंग सा दिन जो है ना वो गुजरा है, तो आज इस व्लॉग को हम कम्प्लीट करेंगे। गाड़ियाँ हमारी रेडी होकर लाइन अप हो गई हैं। पापा जी अभी घास काटना शुरू हो गए हैं मैनुअल मशीन के साथ, ये काफ़ी ज़ोर से और मुश्किल से ऑपरेट होती है। वैसे तो मार्केट में वो भी आ गई हैं जिनके ऊपर मोटर लगी होती है, वो बिजली पे चलती हैं। दोनों गाड़ियों से आज मैंने टाइम से उठ के ना रेडी शेडी कर दिया है, दोनों गाड़ियों को वॉश करके ना लाइन अप कर दिया। पापा जी ने क्यारियों की भी सारी सेटिंग कर दी हुई है, अभी किसी दिन टाइम निकाल के ना यहाँ पनीरी ले कर आएंगे और इधर फूलों वाली पनीरी जो है ना वो लगाएंगे। घास एकदम ज़बरदस्त और ऐसे जैसे क्रिकेट ग्राउंड बन गया, बिल्कुल प्रेस हो गई।
धूप के मजे, धूप के मजे। सो अभी मैंने खुद रेडी होना है, तो आज इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये व्लॉग चल रहा है कल का, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, तब तक आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ बेल आइकन पर लगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी व्लॉग्स के नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।